दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो में 90% SEO कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि SEO कैसे करें, SEO ठीक तरीके से कैसे करें, आपको ये नहीं बताते हैं कि SEO 90% हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप उस मेरी बातों को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका जो वीडियो है रैंक में जाएगा और अच्छा खासा व्यू जाएगा, सब्सक्राइबर आएंगे और वॉच टाइम भी आपका कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको साइड में स्क्रीन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास दो वीडियो दोस्तों, ठीक है, दो वीडियो हैं और इसमें से हम लोग देखेंगे कि हमारे एक वीडियो पर लगभग 20 व्यूज है और एक वीडियो पर मेरे 70 व्यूज है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन दोनों वीडियो में क्या अंतर है और क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो में ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो चलिए मैं सबसे पहले YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ये रहा दो वीडियो, आप देख सकते हैं इस वीडियो पर 20 व्यूज है और इस वीडियो पर 71 है, 70 मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे अपने TubeBuddy एप्लीकेशन में। TubeBuddy एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस वीडियो को हम लोग ओपन करेंगे जो वीडियो हम लोग YT स्टूडियो एप्लीकेशन में देखें। तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, और लोडिंग वीडियो आ रहा है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है लोगों की तरह, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 19 और यहाँ पर 69 व्यूज दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे, ये 19 जो 20 व्यूज था इस वीडियो पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और किस कारणवश हमारा व्यूज कम हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऊपर वाला जो है ये लोडिंग ले रहा है, अपलोड हाई रिस्क थंबनेल। ये मान लीजिए अगर ये सही का टिक मार्क है तो मान लीजिए सही है, अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे जो आई वाला है, ठीक है, ये ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर अपलोड हाई रिस्क थंबनेल पर, तो मैं उसको बता दूं आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं इसको कैंसिल मार देता हूँ। हम लोग इस 3 डॉट पर जाएंगे और इमेज साइज पर जाएंगे और कस्टम पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, जो आई वाला आइकन होता है वो एक गलत निशान का होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से YouTube थंबनेल, YouTube जो थंबनेल है आप लोग इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी साइज देख लीजिएगा, 82720 है, ठीक है। आप लोग यहाँ से थंबनेल बनाते हैं तो आप जब TubeBuddy में जाएंगे तो आपको वो एरर देखने को मिलेगा। मैं कैसे थंबनेल बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसी पर हम लोग फिर से जाएंगे, इमेज साइज पर जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे, ठीक है। तो साइज से नहीं मतलब है, आपको क्या करना है, इस गूगल प्लस कवर फोटो जो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो चुका है और हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप इस पर थंबनेल बनाते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ
ट्यूब बडी में जाएंगे तो वहाँ पर सही का टिक मार्क लग जाएगा। अभी मेरा इंटरनेट स्लो है तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो भी थंबनेल है, मैं गूगल प्लस कवर फोटो जो लिखा होता है वहीं से बनाता हूँ, और यहाँ पर मेरा हमेशा सही का जो चिन्ह होता है लगा हुआ आता है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, टोटल यहाँ पर 9 है जिसमें से मेरा 5 सही है और 4 गलत का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऐड टैग टू योर टाइटल, मतलब जो आपका टाइटल है उसको आप कॉपी करके अपने टैग में डालिए। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सही का मार्क आता है कि नहीं आता है। वैसे मेरे हिसाब से आ जाएगा क्योंकि मैं इसको 3 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। मेरे बीज इसलिए नहीं आते हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं रहता हूँ अपने चैनल पर। हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाएंगे मोर ऑप्शन में और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी कॉमा लगा देंगे। ये देखिए बहुत सारे मैं यूरिस डाल रखा हूँ। अब हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जाएंगे हम लोग ट्यूब बडी एप्लीकेशन में और इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करने के बाद 10.3 के हो चुका है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर 2 था। अगर आपको ये गलत लग रहा हो तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये नहीं चेंज हुआ है और ये भी चेंज नहीं हुआ है। वाइट स्टूडियो में ये 71 और 20 दिखाई दे रहा है। चलिए ये देखिए हम लोग का यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये 20 हो चुका है और ये 71 हो चुका है। तो मैं इसी पर फिर से क्लिक करूँगा इस वीडियो पे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम थी मेरी यहाँ पर ठीक हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3रे नंबर पे ऐड टैग टू योर डिस्क्रिप्शन, जो मेरा टैग था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर सही का मार्क आ रहा है। अब आता है टाइटल लेंथ, ठीक है। तो टाइटल लेंथ मैं आपको बता दूँ, जाऊँगा मैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में बैक जाऊँगा, इसी वीडियो पर क्लिक करूँगा, पेंसिल पर जाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप 100 से 69 है, ये आपको जो 69 है आपको ज़्यादा नहीं रखना है। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ जैसे कि कुछ भी, तो ये 89 हो चुका है। तो आपको इस प्रकार से टाइटल नहीं लिखना है, छोटा से छोटा टाइटल लिखना है और अट्रैक्टिव लिखना है, क्लिक बेट थोड़ा हो, ठीक है। तो ये आपका जो टिक मार्क है ये सही का निशान लग जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ऐड कार्ड भी कर चुका हूँ, ऐड मेरा कार्ड है। ये मिस्टेक जो है, अब आपको टाइटल लेंथ, ऐड कैप्टन, ऐड एंड स्क्रीन, ऐड टू प्लेलिस्ट और अपने वीडियो को क्या करना है, फेसबुक पर शेयर करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं।
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब चलिए मैं जाता हूँ उस वीडियो में। ठीक है, इसमें तो एक प्रॉब्लम थी, ये जो मेरा थंबनेल है बहुत ही HD है। ठीक है, तो अब चलिए मैं TubeBuddy में जाता हूँ और वो वीडियो ये ग्रेनो वायरलेस माइक वाला ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था 100 से जो 69 था, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग इसको ठीक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए 100 से 91 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे, इसकी जो लेंथ है छोटा करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसमें सही का टिक मार्क कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो ये ग्रेनो वायरलेस माइक जो है इसको हम लोग काट देंगे। ये देखिए ये 79 हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको ये हटा देना है यहाँ से, जो टाइटल में है वही डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए सेम, इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइटल चेंज किया हूँ। बैक जाऊँगा और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे अपने TubeBuddy एप्लीकेशन में, बैक जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि हम लोग इसको चेंज किए हैं तो वो चेंज हो जाए। तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। चलिए चलिए इस वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और अपना SEO 90% हम लोग कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज और सब्सक्राइबर वॉच टाइम सब कुछ आपको मिल सके। तो आज के लिए ये बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।